वेलकम टू पीएसपीज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाटी साप्टा, जो बंगालियों का डिलीशियस स्वीट डिश होता है। ये गुड़ से बना हुआ है, चीनी का मात्रा बहुत ही कम है। और गुड़ से बना हुआ रेसिपी अगर आप और देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं प्राची चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ पीएसपीज वर्ल्ड में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा नारियल को कुरैद के उसका बुरादा निकाल लिया है और एक गुड़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आधी कटोरी मैदा है और एक कटोरी चौरठ या चावल का आटा। आधी कटोरी दूध और 4 चम्मच सूजी को पानी में डाल के फुला लिया है मैंने। सिर्फ 10 मिनट इसको पानी में डाल के रखेंगे वो काफी है। अब गरम कढ़ाई में 1 चम्मच घी ले लेंगे और घी को गरम होने देंगे। घी गरम हो जाने पे इसमें मैंने इलायची दाना डाल दिया है। जब इलायची दाना थोड़ा हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें जो चौरठ या चावल का आटा है उसमें से 2 चम्मच चावल का आटा हम घी में डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये हल्का ब्राउन होने लगे तो आधी कटोरी दूध इसमें डाल देंगे और वही कटोरी थोड़ा सा पानी में घोल के डाल देंगे, मतलब जो धुला हुआ दूध है वो डल जाएगा। अब इसमें गुड़ डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। धीरे 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 गुड़ मेल्ट होने शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको समय समय पर चलाते रहना पड़ेगा। ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए यहाँ गुड़ मेल्ट हो रहा है और नारियल का कलर भी चेंज हो रहा है। अब देखिए गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसको हम चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी ना हो जाए। थोड़ा सा लिक्विड रहता है गुड़ का, जब वो पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम उतार देंगे। तो देखिए अब हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं। अब अलग एक कटोरी में हम जो एक कटोरी चौरठ या चावल का आटा था वो ढाल देंगे और आधी कटोरी मैदा ले लेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें मैं 2.5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करूंगी। चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। अब जो सूजी था फूल गया है, देखिए ये देखिए अच्छे से फूल गया है। तो इसको हम अच्छे से चला के वो पूरा पानी समेत इसमें ढाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मिलाते वक्त और आपको पानी का ज़रूरत पड़ेगा। इसका जो घोल है वो ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इसमें मैंने 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह का एक बैटर बना लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं है ये और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, कुछ इस तरह इसका कंसिस्टेंसी रहेगा। अब पाटी साप्टा बनाने के लिए तवा पे
टिश्यू पेपर या फिर आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगा के उसको तवा पे अच्छे से घुमा लीजिए और एक हाथा इसमें हम बैटर डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। थोड़ा पतला पतला फैलाएंगे तो अच्छा बनेगा, नहीं तो पाटी साप्ता टूटने का डर होता है। और दो बूंद तेल या तीन बूंद जो भी हो वो आप इसके चारों तरफ किनारे में घुमा दीजिए। अब नारियल का जो पूर हमने बनाया था उसको कुछ इस तरह से इसमें चिपका देंगे। और इस तरह से इसको पलट देंगे। देखिए, ये पहला बार जब आप बनाने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा खराब बन जाए, लेकिन घबराइएगा मत। एक दो बार जब उतर जाएगा उसके बाद देखिएगा अच्छे से ये झटपट झटपट बन जाएगा। तवा एक बार पहले अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा और उसके बाद आँच आस्ते कर दीजिएगा। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।